अब फिलहाल मेरे पास अलग बग्घी थी, मेरे टीममेट्स के पास अलग बग्घी थी, तो मेरे टीममेट को तो भाई पलटा दिया यहाँ पे गोडजिला की पूछ। जैसे ही इनकी बग्घी पे लगी, इनकी बग्घी पलट गई, मेरी बग्घी यहाँ पे आके ठुक गई। और उसके बाद भाई मैंने पता नहीं कैसे करके इसे निकाला और मैं जाने लगा यहाँ पे सीधा, पर गोडजिला ने भाई मेरे टीममेट्स को छोड़ा ही नहीं। तो हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज के से एक और न्यू PUBG मोबाइल की लेटेस्ट गेम प्ले वीडियो में। और आज की इस वाली वीडियो में इतना ज़्यादा मजा आएगा भाई, तुम्हारा सीरियसली बताऊँ ना हंस हंस के पेट दुख जाएगा, क्योंकि ये वाली वीडियो है ही इतनी खतरनाक। इस वाली वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे क्लचेज ऐड करे हैं और भाई कुछ गलत सीन जो कि मतलब तुम्हारे साथ भी होते हैं और भाई आज मेरे साथ भी हुए। मतलब तुम सोचते होगे कि इसके साथ इंटरनेट वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं आती होगी कभी, क्योंकि भैया यूट्यूबर्स के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं आती प्रॉब्लम, सारे यूट्यूबर्स वाईफाई वगैरह पर खेलते हैं। पर आज तुम देखते रहना क्या होगा इस गेम प्ले में आगे। अगर तुम्हारा कोई मैच ऐसा चल रहा है जिसमें कि भाई तुम फुल ट्राई हार्ड दे रहे हो और जीतते जीतते तुम पिट जाओ तो बहुत गलत लगता है। मैं यहाँ पे अपने टीममेट से AKM तो ले लेता हूँ, पर भाई सामने वाले बंदे ने इसे नॉक कर दिया था। मैं इसे रिवाइव देता हूँ बट वो पुश कर रहा था। अब यार ये लाल कलर का गुड्डा बुड्ढा पता नहीं भाई अपने आप को क्या ही समझ रहा था। फिलहाल इसे नॉक करा, शॉटगन से फिनिश करा, उसके बाद मैं पीछे आया, बारी थी इसके टीममेट्स की जो कि यहीं पे थे। पर उससे पहले भाई होलोग्राफिक लगा लेते हैं अपने इस पे, M4 पे मस्त चलेगा। अब यार ये जो गुड्डा था मुझे इसके टीममेट्स मारने थे बट मुझे उनका नहीं पता था वो किधर की तरफ हैं, और फुटेज टैप तो इधर की तरफ से आ रहे हैं तो चल तो इधर की तरफ ही चलते हैं। जब मैं आता हूँ यहाँ पर मुझे टावर के बाहर एक बंदा दिखता है, मैं जैसे इस पर देता हूँ भाई अंदर चला गया था। अब मैं थोड़ा वेट करता हूँ इसका बाहर आने का, मैं कहा चल भाई बाहर आ जा। अब फिलहाल जैसे ये बंदा बाहर आया इसे नॉक करा, पर इसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था और इसके दूसरे बंदे को भी मैंने नॉक करा। अब बारी थी भाई इनके तीसरे बंदे की जो कि बिल्कुल पीछे से आ रहा था, पता नहीं भाई इतनी देर कहाँ लगा दी इस बंदे ने। और इतनी देर में तो मैंने अपने दोनों टीममेट्स को रिवाइव दे दिया। फिलहाल तो सामने वाले बंदों के फुटप्रिंट्स आ चुके थे और भाई वो बंदे बिल्कुल सामने थे। अब हो रहा था उनका पुश, यहाँ पे मैंने इस बंदे को नोक करा, पर भाई ये वाला बंदा भी नोक था। अभी तुमने देखा होगा मैंने पीछे तीन बंदे मारे थे और भाई यहाँ पे मुझे पता लग गया था कि हाँ अलग अलग टीम के बंदे हैं। और एक बंदा जो है मेरे सामने इस कंटेनर में गया, जाके छुप गया, अब बचेगा नहीं है। अब देखो अगर मैं सामने जाता ना इस बंदे के तो भाई मैं 100% मरता, क्योंकि इस वाले बंदे के पास थी S12 के, जिससे कि मेरी दुश्मनी मतलब ऐसी है भाई मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। अगर मैं बहुत दूर भी 500 मीटर भी होऊंगा ना भैया शॉट गन लगेगी मेरे आगे दूर दूर, और अगर मैं किसी के मारूंगा घंटा नहीं लगेगी। अभी फिलहाल तो इस वाले कंटेनर्स पे भी दो बंदे दिखते हैं हमें, पर वो उधर जा चुके थे वेयर हाउस की तरफ। इन वाले बंदों ने भले ही मेरे एक टीममेट को नॉक कर दिया था, पर एक ही स्प्रे में भाई मैंने दोनों बंदों को पेल दिया और यहाँ पे ये बंदे डायरेक्ट मर चुके थे। आई थिंक सो ये उन दो बंदों के बंदे होंगे जो कि हमने अभी मारे थे। और यार कौन बंदा किस टीम का है किसका है भैया इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारे किल मिल गए ना बस वो काफी है। अब देखो इस वाले मैच में हम क्या कर रहे थे, गोडजिला को बहुत ज़्यादा दबा के चेज़ कर रहे थे। वैसे हमने गोडजिला को चेज़ करना भाई बहुत पहले छोड़ दिया था, जब वो नया नया आया था तो भाई हम इसके पीछे ही घूमते रहते थे। पर इस बार भाई हम इसको चेज़ कर रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसे ही टाइम पास के लिए, क्योंकि बंदे हमें इतने मिल नहीं रहे, तो चेज़ करते करते हम यहाँ पर आए, हमें गोडजिला क्रिस्टल मिले। अब यार देखो हमें गोडजिला क्रिस्टल तो मिल गए थे, पर हमें ये नहीं पता था भाई सामने पहाड़ी पर बंदे आ जाएंगे और भाई वो हमारे अंधा स्प्रे मारना स्टार्ट कर देंगे। ये वाले बंदों ने जैसे ही मेरे स्प्रे मारना स्टार्ट करा मैं ऊपर में था, मुझे लगा कि हाँ भाई खत्म हो यहाँ पे, तो भाई पेटी बनाएंगे ये बंदे। पर मैं किसी ना किसी तरीके से इस पेड़ की कवर में आ जाता हूँ और ये बंदों ने एक टीम को मार दिया। अब बारी है इनकी पिटने की। यहाँ पे मैंने एक तरीके से गोडजिला क्रिस्टल की इन बंदों के ऊपर बारिश कर दी, पर भाई एक बंदा नोक हुआ था, ज्यादा बंदे नोक नहीं हुए गोडजिला क्रिस्टल में, बाकी तो मुझे गन से ही मारने पड़े। बाकी बस यार अभी तुम यहाँ पे देखना कैसे पेलते एक एक करके। जा
यहाँ तक पूरा गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा है। तुमने कहा होगा कि भाई गलत सीन हुए नहीं अभी तक, मतलब लेजेंड कहाँ रह गए तेरे गलत सीन, भाई अब होंगे स्टार्ट, टेंशन मत लो। अभी तो यहाँ पे हम मजे से बंदे बेल रहे थे, हाथ में स्नाइपर M4 भैया और क्या चाहिए जिंदगी में, 8x-8x सब आ गया था पूरा, बड़े लूट थे। और गलत सीन जो है भाई लूट देख के नहीं आते, बट आते हैं तो भाई तुम्हारा टाइम खराब कर देते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैंने इतनी सारी मेहनत करी थी, इतने सारे बंदे बेले थे, अच्छा गेम प्ले रिकॉर्ड हो रहा था, उसके बाद भाई मैंने गाड़ी उठाई, मैं गाड़ी उठा के जाने लगा, अपनी जिंदगी मस्त जी रहा था मैं। एक तो गरीब को भाई वैसे किल नहीं मिल रहे थे, अब ये 13 किल करके मैं यहाँ पे एक एयर ड्रॉप पाया यास नाई की तरफ। मैंने सोचा भाई एक एयर ड्रॉप लूट लेते हैं भैया इसी बहाने। अब जैसे मैं एयर ड्रॉप पाया, यहाँ पे देखना मेरे साथ क्या हुआ। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी देर बाद मेरे टीममेट की आवाज़ आनी बंद हो गई, गाड़ी यहाँ पे रुक सी गई। मैं बोलता रहा, मैंने कहा हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही, बट मेरे टीममेट ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। और भाई मुझे पता लग गया था कि या तो मेरा अकाउंट बैन हो गया या भैया गया खत्म। पर यार अकाउंट तो बैन हो नहीं सकता क्योंकि मैं हैकर हूँ नहीं, और मैंने इतना गंदा तो मारा भी नहीं। अभी फिलहाल जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे दिखाता है कि भाई तुम बहुत देर से ऑफलाइन थे, दैट्स वाई तुम अब दोबारा मैच में नहीं जा पाओगे। वहाँ पे मेरा इंटरनेट चला गया था तो भाई वाला मैच तो वहीं पर ख़त्म हो गया। और यार उसी के बाद मैंने सेम टीम के साथ विद सेम फ्लो, मतलब भाई कितना सही मैच स्टार्ट करा था, ये बहुत ज़्यादा फॉर्म में था तुम्हारा भाई इस वाले मैच में। बट भाई मेरे साथ इस वाले मैच में तो इंटरनेट से ज़्यादा बुरी चीज़ हुई। तुम देख के कहोगे कहोगे क्या यार, तुम हंसोगे। बस यहाँ पे देखते रहना, यहाँ पे सबसे पहले हम उतरे जॉर्जी पुल, एक DP मिली, इस बार उतरते ही मुझे गन मिल गई थी, पर भाई बंदे नहीं आए, सिर्फ ये बेचारा बोट आया जो कि परी वाली ड्रेस पहन के घूम रहा था। इस वाले बोट को मैं नोक करके कट्टे से फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि भैया बोट को मारने का पिस्टल से अलग ही मजा है, रियल बंदे तो मरते नहीं वैसे पिस्टल से। यार देखो जॉर्ज पुल भाई हमने क्लियर तो करा था, भले ही चाहे उसमें एक बोट आया हो। अब फिलहाल मैंने दोबारा बग्गी उठाई और बग्गी उठा के मैं सीधा गया स्कूल अपार्टमेंट पे। और स्कूल अपार्टमेंट पे भाई इस बार चली हुई थी फ्लेयर, एक तो स्कूल अपार्टमेंट वाले कैंपर, ऊपर से भैया फ्लेयर भी। रुक जाओ बेटा तुम बैठे हो। हमारी टीम आई यहाँ पे सस्ती सी, 3 बंदों की, 2 बग्गी हमने यहाँ पे खड़ी करी ला के, बिल्कुल गैंगस्टर टाइप वाली फीलिंग आ रही थी। हमने करा इन बंदों पे पुश। अब वैसे जिस तरीके से इन्होंने एक के बाद एक बंदे ने पुश करा था, उसी तरीके से भाई ये बंदे यहाँ पे निबट भी गए। अब हमें मिली इन बंदों की अच्छी खासी लूट, और इस वाली लूट को लेने के बाद भैया बारी थी इन बंदों की प्लेयर लूटने की, जो कि बिल्कुल भारी पड़ी हुई थी। वो वाली प्लेयर भी भाई हमने उठा ली, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बट हाँ उठा ली थी, MK14 मिली थी मुझे उसमें से। उसके बाद हम आगे भाई हमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, गोडजिला के पास आगे मेरे टीममेट की गाड़ी गई भाई उड़ती हुई। मैंने कहा ले भाई हैवी ड्राइवर है तो खतरनाक। अब फिलहाल वाली गाड़ी पलट चुकी थी, मैंने सोचा चलो बच गए भाई हैं, पर गोडजिला कहाँ छोड़ने वाला था इन्हें। गोडजिला ने एक और बार पूछ घुमाई अपनी, और इस बार जो है भाई मेरे टीममेट खत्म हो चुके थे। तो मैंने कहा भाई ठीक है चलो मैं मिलता हूँ तुम्हारे से बाद में, थोड़े जरा आगे बंदे मार रही हूँ, क्योंकि भैया ये तो मर चुके थे और डायरेक्ट मर गए भाई, नोक भी नहीं हुए। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक फ्लेयर ड्रॉप दिखता है, फ्लेयर ड्रॉप में दिखी मुझे AWM, मैंने कहा ये ही तो चाहिए थी। अब देखो AWM के चक्कर में तुम्हारे भाई ने MK14 छोड़ दी, ये मत कहना AWM चलाता नहीं मैं। और सामने कुछ बंदे आए, अब यार जैसे ही कोई बंदा गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहा था मैं उसके मार दे रहा था और डैमेज कर दे रहा था, जिससे कि वो बंदे गाड़ी में बैठते हुए बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बट तुम्हारा भाई यहीं छुपा हुआ था। इस वाले बंदे को तो मैंने डायरेक्ट नॉक कर दिया, उसके बाद एक और दिया भैया फिनिश। देखो अभी जो है मैंने वहाँ पे उनका एक ही बंदा मारा था, और मैं तुम्हें बताऊँ गोडजिला भाई मेरी टीम में, अभी देखना यहाँ पे मैं गोडजिला से कैसे लेजर लगवाता हूँ इन बंदों के। और बंदे खत्म, देख रहे तुम, देख रहे भाई तुम्हारे भाई की टीम में गोडजिला। अब जब गोडजिला आया था मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि हाँ गोडजिला मेरा दोस्त बन सकता है, और भाई वो बन भी गया, उसने साला इन बंदों की लेजर टेक दी। मैंने कहा यार तू तो बढ़िया है, एक तो उन्होंने मेरे टीममेट मार दिए जो कि मेरे किल चुराते आगे जाके, और यहाँ पे इन बंदों को भी निपटा ही दिया। मैंने यहाँ पे जैसे इस बंदे की पेटी खोली भाई ये तो एम्प्टी थी, और उसके बाद मैं आगे वाली पेटी में गया, यहाँ पे मेरी वही पड़ी हुई थी MK14, सालों ने मेरी गन चुरा ली।
अब फिलहाल तो मैं यहाँ से गाड़ी उठा के निकल ही रहा था। जैसे ही मैं गाड़ी उठा के निकल रहा था, कुछ बंदों ने मेरे फायर दिया, और फायर देने के बाद भाई मुझे पता था हाँ यहाँ पे रुकना है और इन बंदों को खत्म करना है। अब ये बंदा जो है यार इतना महान कैंपर था, ये पड़ा हुआ था कंटेनर के ऊपर। अब ये बंदा कंटेनर के ऊपर पड़ा हुआ था और भाई मेरे हाथ में थी स्नाइपर। मैंने थोड़ा ट्राई करा मारने का, भाई नीचे कूद गया। देखो स्नाइपर तो स्नाइपर है, नीचे भी वो बंदा बच नहीं पाया। उसके बाद मैंने जैसे ही इसे नोक करा, मैंने गाड़ी उठाई अपनी डांसे जो कि मेरे पास थी, मैंने तुरंत पुश करा, इसका बंदा दिखा मुझे आता हुआ। सबसे पहले तो मैंने इसे हराम कोर को फिनिश करा, उसके बाद मैं कंटेनर पे चढ़ा और पेलना स्टार्ट। अब ये वाले बंदे को भी मैंने नोक कर दिया था और ये फिनिश भी हो गया। आई थिंक जो उसका टीममेट कहीं और मर गया होगा या लास्ट बंदा था। फिलहाल इन बंदों को मारने के बाद मुझे मिला इन पे से 8x जो कि भाई मेरे पास नहीं था। उसके बाद मैं दोबारा से आ गया गोडजिला के पास यहाँ पे क्रिस्टल उठाने। अब देखो मैं क्रिस्टल उठाने आया था, उसके बाद मुझे शेल्टर के पास कुछ ओपन में भगते हुए बंदे दिख गए, बट वो अभी पीछे जा चुके थे, दिख नहीं रहे थे बिल्कुल भी, पता नहीं कहाँ पे चले गए। उसके बाद क्रिस्टल तो मेरे सामने ही पड़े थे, पर मैं चाहूंगा नहीं भाई ठाने ओपन में पेल देंगे। तो मैं यहाँ पे इसी शैक के पीछे बस वेट करे जा रहा था, पर इतने में ही भाई कुछ बंदे मेरे फायर देते हैं, तो मैं थोड़ा शैक के अंदर घुस जाता हूँ अपनी बग्गी को सेव करके। अब देखो ये मेरी बग्गी सेफ हो चुकी थी, पर साला फायर तो मेरे अभी भी मार रहे थे। उसके बाद मैंने एक फर्स्ट एड लगाई और ये भाई बग्गी में से धुआं भी निकाल दिया। आराम ही हो, रुक जाओ। अब यार देखो वो वाले बंदे तो रुकने वाले नहीं थे, इतनी बात मुझे पता थी, बस मुझे पता था कि हाँ भाई पेलने, अब तो किसी भी तरीके से ये बंदे पिटेंगे, क्योंकि साला मेरी बग्गी में से धुआं निकाल दे, मैं जाऊँगा कैसे, जोन के बाहर वैसे हूँ मैं। अब मैं थोड़ी देर बिल्कुल नूब बंदों की तरह इसमें बैठा रहा शायद मैं, उसके बाद झटके से निकला बाहर और भाई पेलना स्टार्ट। और यहाँ पे ये वाला सीन तुम मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो इस वाले वीडियो पे लाइक करते जाना, और अगर नहीं हो तुम इस वाले वीडियो पे तो मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार सीरियसली अपन अब बहुत ज़्यादा क्लोज है यार 2 मिलियन के। वैसे 2 मिलियन होता है, 2 मिलियन होता है, मतलब जो भी होता है भैया बढ़िया होता है। तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर तुम नए हो इस वाले यूट्यूब चैनल पर, लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा फ्री है, दबा देना। मैं यहाँ पे बंदों से बच गया था, गोडजिला से बच गया था, और जोन से भी बच गया था क्योंकि मुझे गाड़ी मिल चुकी थी, ठीक है। उसके बाद मैं आया यहाँ पे इस ब्रिज पे, यहाँ पे मुझे एक बंदे पे अत्याचार होता हुआ दिखा। यहाँ पे कुछ मकड़ियाँ मिलके इसके ऊपर अत्याचार कर रही थी, मैंने थोड़ा सा और अत्याचार बढ़ा दिया, मैंने इस बंदे को नोक कर दिया। उसके बाद मैं आ गया भाई बच के, पर मकड़ियाँ जो है ना भाई, जैसे इस बंदे के ऊपर अत्याचार हो रहा था ना, वैसे ही मेरे साथ करा मकड़ियों ने। मेरा जो है पबजी से विश्वास उठ गया, मतलब भाई मैं कुछ हो ही नहीं भाई, देखो कैसा रैपट दिया एक, और जैसे ये वाला रैपट पड़ा ना मेरे, मैं भागना स्टार्ट। मैंने कहा भैया गाड़ी दो मेरी, मैं खेल ही नहीं रहा यार, ये गेम बहुत ज़्यादा बेकार गेम है, चलो यहाँ से चलते हैं। अब मैं जाने लगा, पर उसके बाद मुझे याद आया कि यार अपना किले सेव कर लेता हूँ। अब यार ये दो मकड़े पता नहीं कहाँ से आए और भाई पेलना स्टार्ट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मारा, मेरा विश्वास उठ गया गाइस पबजी से आज। तो होप सो गाइस तुम्हें आज के लिए वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इस वाले वीडियो पर लाइक करते जाना, और मकड़ी से भाई ज़्यादा बकचोदी मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई मकड़ी, सीरियसली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर तुम करना चाहते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हारे किसी एक और न्यू वीडियो में किसी एक और न्यू गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।